सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर बिकॉज दिस टॉपिक डायरेक्टली डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे लाइफ। मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू जो हमारे पास जो ये टॉपिक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करता है, जहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम स्पेस या मिनिमम स्पेस वगैरह फाइंड आउट करनी होती है स्टोरेज के लिए या फॉर अदर डिफरेंट थिंग्स। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक डील्स विद आवर डे टू डे लाइफ। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्टली लेट अस डिस्कस व्हाट यू मीन बाय मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई, वेयर आई हम लोग कोई इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे लेट अस कंसिडर एक इंटरवल ए और बी है, क्लोज्ड इंटरवल, और ए और बी हमारे पास कोई इंटरवल है आई है, तो उसमें इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, मान लीजिए उसमें एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए एक सी पॉइंट है जहां पे मेरे पास इस कर्व में मैक्सिमम वैल्यू आई है। इस कर्व पे हम लोग जब डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो चेक कीजिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की सारी वैल्यूज जो है वो सी पॉइंट से कम ही आ रही है। तो इट मींस सी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को जनरेट कर रहा है। सो एफ ऑफ सी विल बी नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं मिनिमम वैल्यू। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी, मैक्सिमम वैल्यू में हम लोगों ने कहा था कि एक पॉइंट लाई करता है गिवन इंटरवल में और उस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू आती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसी तरह से मिनिमम वैल्यू में हमारे पास क्या आता है, एफ इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की हर एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से कम होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए हम लोग वैल्यू एक्स की पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज जो है एफ ऑफ सी से ज्यादा आ रही है। चेक कर लीजिए एफ ऑफ सी सबसे नीचे आ रही है और बाकी की जितनी भी वैल्यू है वह सारी की सारी इससे ऊपर आ रही है। सो वी कैन से दैट द पॉइंट सी जब हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं देन एफ ऑफ सी इज हैविंग द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन फंक्शन। ठीक है जी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, और दूसरा हमारे पास होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। Now, what is the difference between this local maxima and local minima and absolute maxima and absolute minima? तो मैं graph draw करके आप लोगों को समझाता हूँ। Let us consider this is x-axis and y-axis। हम लोग different axes बना लेते हैं x dash, x, and let us consider this is y and y dash। और यहाँ पे हमारे पास zero है। Let us consider मैं एक graph draw कर रहा हूँ। This is the graph of a function। चेक कीजिए यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। लेट अस कंसीडर इसको मैं पॉइंट ए कंसीडर कर लेता हूं स्मॉल ए, और यहां पे ये ग्राफ एंड हो रहा है तो इसको पॉइंट बी कंसीडर कर लेता हूं। तो मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी आ गई है और उस क्लोज्ड इंटरवल में मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। एंड लेट अस कंसीडर कि यहां पे हमारे पास हाइट आ रही है तो इसको मैं पी लिख लेता हूं, दिस इज पॉइंट क्यू, देन आर, और इसको एस लिख लेते हैं। Let us consider this point is T, U point, and this point is V. अब यहां पे देखिए different जगह पे point P, point R, point T and point V हमारे पास इस ग्राफ में क्या है कि फंक्शन में ऊपर की तरफ वैल्यू आ रही है। इसी तरह से अगर पॉइंट Q बात करें, पॉइंट S की बात करें, पॉइंट U की बात करें तो ये फंक्शन जो है नीचे की तरफ जा रहा है। चेक कीजिए यहां पे मेरे पास फंक्शन क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई विल राइट इट एज इंक्रीजिंग फंक्शन। याद कीजिए हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और अगर डेरिवेटिव नीचे की तरफ जा रहा है देन वी विल राइट इट एज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंट पोजिशन में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है।
यहां पे इसी तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग, यहां नीचे की तरफ जा रहा है डिक्रीजिंग, अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं इस फंक्शन में डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्रेस्ट एंड ट्रफ आ रहे हैं और क्रेस्ट एंड ट्रफ में यहाँ पे पॉइंट पी जो है पॉइंट पी पॉइंट आर पॉइंट टी एंड पॉइंट वी, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है लेकिन एक पॉइंट पे आ रही है, सो दिस इज नोन एज लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा कंसिडर होते हैं। इसी तरह से अगर बात करें नीचे की क्यू एस और यू, यहां पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, सो इट इज नोन एज लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ की तरफ देख लेते हैं। क्रेस्ट में जो मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज लोकल मैक्सिमा, और ये जो बात ध्यान रखिएगा लोकल मैक्सिमा में पॉइंट जो है हमारा पास फंक्शन जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो से एफ डैश एक्स लेस देन जीरो की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है उसके बाद डिक्रीजिंग हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन और अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, और जो ये पॉइंट क्यू है यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव क्या है एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव था, नेगेटिव से एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव की तरफ चला गया, यहाँ देखिए नीचे से जा रहा है और उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया, सो पॉइंट क्यू इज नोन एज लोकल मिनिमा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की। तो अब यहाँ पे देखिए इसी क्लोज इंटरवल में ए बी में हम लोग बात करें तो जो ये पॉइंट टी है इस पे देखिए ये फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है, डिफरेंट जो हाई वैल्यूज हैं उनमें टी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और इसी तरह से जो ये पॉइंट एस है यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सबसे कम है, अगर क्यू बात करें एस बात करें और यू बात करें इन तीनों में सबसे कम वैल्यू एस की है, तो वी कैन से दैट टी इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, टी इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और बात करें मिनिमा की तो यहां पे जो पॉइंट एस है एस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इट मींस टू से दैट कि अगर गिवन इंटरवल हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी फंक्शन की दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन जहां पे हमारे पास फंक्शन जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है दोज पॉइंट्स आर नोन एज लोकल मैक्सिमा एज वेल एज लोकल मिनिमा। हाईएस्ट पॉइंट हायर वैल्यू होगी तो लोकल मैक्सिमा होगा, लोअर वैल्यू होगी तो लोकल मिनिमा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी गिवन इंटरवल ए बी जो गिवन इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल इसमें मोर देन वन लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, चेक कीजिए यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा दूसरा लोकल मैक्सिमा तीसरा लोकल मैक्सिमा और चौथा लोकल मैक्सिमा, और इसी तरह से मिनिमा की बात करें तो हमारे पास मोर देन लोकल मिनिमा हो सकते हैं मोर देन वन, यहाँ पे देखिए तीन लोकल मिनिमा है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिखी है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक हो सकता है एब्सोल्यूट मिनिमा एक हो सकता है, लेकिन अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें तो हमारे पास ये सिर्फ मोर देन वन वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है जी। नाउ सी हियर हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। एक बार याद रखिए जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है ना वो हमेशा क्लोज इंटरवल में फाइंड आउट किया जाता है। Let us consider we are having a closed interval a, b जिसके extreme values a और b हैं, मतलब end points a और b हैं। इसके बीच हम लोगों ने absolute maximum और minimum find out करना है। तो working rule क्या कहता है? सबसे पहला step है find f dash x, मतलब जो भी function हम लोगों को given है उसमें f dash x find out करना है। Second point put f dash x is equals to zero to find x is equals to c something constant known as critical point find out करना है हम लोगों ने। और एक बात याद रखिएगा पुत्र जी कि x is equals to c जरूरी नहीं हमारे पास x की वैल्यू सिंगल आए, हो सकता है मोर देन वन वैल्यू भी आ जाए। अगर हमारे पास
क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो एक वैल्यू आएगी क्योंकि उसका डेरिवेटिव में लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल या क्यूबिक फंक्शन होगा तो उसकी डेरिवेटिव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी, हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब जो है क्रिटिकल पॉइंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जहां डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो होता है। उसके बाद थर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ, या सिंपल सी बात है फाइंड एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ सी कॉमा एफ ऑफ बी। मीन्स टू से कि फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यानी कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन फंक्शन होगा, बी के ऊपर जो गिवन फंक्शन होगा उस पे हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके ऊपर भी हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल दीज, obtained from all these will be absolute maximum value, will be absolute maximum value, and इनमें से जो सबसे ज्यादा value होगी that will act as absolute maximum value, and minimum value will act as, minimum value will be the absolute मिनिमम वैल्यू, विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, इसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई होगी दैट विल कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे कम वैल्यू आई होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम वैल्यू। अब पुत्र जी एक बार याद रखिए, जो फंक्शन की वैल्यू आई होगी उसको हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम बोलते हैं, लेकिन जो पॉइंट ए बी या सी में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई होगी उसको हम लोग पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से आएगी, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे जहां से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है बेटा जी, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा में ये होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा किसी इंटरवल में फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वो एक पॉइंट पे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ व्हाट इज द वर्किंग रूल्स, नंबर वन सेम वही है, फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट C, that is x is equals to C। और बेटा मैंने जब ग्राफ के थ्रू समझाया था तो मैंने ये कहा था कि मोर देन वन एब्सोल्यूट मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने चेक करना होता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। इतना फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास बेटा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है दैट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये किस तरह से होता है मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे दो छोटे छोटे सी हियर, दिस इज x डैश y डैश x एंड y जीरो, और यहां पे लेट अस कंसीडर एक तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं जो इंक्रीज इस तरह से ऊपर की तरफ से जा रहा है, और दूसरा ग्राफ मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज एक्स डैश वाई डैश एक्स जीरो एंड वाई, और दूसरा ग्राफ मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई पॉइंट है जहां पे एफ डैश सी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है और यहाँ पे एफ डैश सी फाइंड आउट किया है। अब बेटा जी ये मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं तो इसका मतलब एक हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया था जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। याद कीजिए टेंजेंट से नॉर्मल में जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो होता है dy by dx। तो अगर एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वो पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ पे ये जो मेरे पास ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इट मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है। सिमिलरली दूसरी डायग्राम कंसिडर करते हैं,
ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इट मींस एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग है। पुराना कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। एंड हियर ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड, दैट इज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब वापस आते हैं यहां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। एक्स इज इक्वल्स टू सी, हम लोगों ने क्या करना होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स फॉर एक्स लेस देन सी स्लाइटली, और उसके बाद एक्स ग्रेटर देन सी स्लाइटली। मतलब क्या है कि हम लोगों ने एफ डैश एक्स की वैल्यू या एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होता है सी पॉइंट पे स्लाइटली लेस या स्लाइटली ग्रेटर लेकर। लेट अस कंसीडर एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, और अगर एक्स की वैल्यू 2 आती है तो सी लेस देन स्लाइटली मतलब क्या है कि हम लोग 2 की बजाय 1.9 पुट कर लेते हैं, और ग्रेटर देन सी स्लाइटली मतलब हम लोग एक्स की वैल्यू 2.1 पुट करके देख लेते हैं। तो उसके बाद एक टेबल होता है हमारे पास, और वो टेबल किस तरह से होता है हमारे पास, नाउ सी हियर, यहां पे पॉइंट सी है, इसमें पुट करते हैं स्लाइटली लेस देन सी, और उसके बाद दूसरा करते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन सी। आफ्टर दिस अगला है फिर से स्लाइटली लेस देन सी एंड देन स्लाइटली ग्रेटर देन सी। दो केस होते हैं हमारे पास, इसलिए मैं यहां पे दो बार ड्रॉ कर रहा हूं। एक पहले केस में जो है वैल्यू पुट करते हैं लेस देन सी स्लाइटली, दूसरे केस में ग्रेटर देन सी स्लाइटली, फिर से लेस देन सी स्लाइटली एंड ग्रेटर देन सी स्लाइटली। अगर सी की वैल्यू लेस देन सी हम लोग पुट करते हैं और एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है, और ग्रेटर पुट करते हैं तो एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव है। मीन्स टू से एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां चेक कीजिए स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, सी को पॉइंट लिया सी से लेफ्ट हैंड साइड और सी से राइट हैंड साइड, हम लोगों ने इस तरह से चेक करना है। और सी से लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव था और सी से ग्रेटर देन हमारे पास डेरिवेटिव नेगेटिव था, चेक कीजिए यहां पे फंक्शन पॉजिटिव है, यहां पे जो डेरिवेटिव है नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। चेक कीजिए जो फंक्शन था डेरिवेटिव उसने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज कर दिया। यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ पॉइंट, पॉइंट की नेचर क्या हो जाएगी। तो अब यहां पे कह सकते हैं अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और दूसरा केस स्लाइटली लेस देन सी, हमारे पास डेरिवेटिव जो था लेस देन जीरो था, और स्लाइटली ग्रेटर के लिए डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो। चेक कीजिए सी से अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, और सी से राइट साइड की तरफ देखते हैं तो चेक कीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स टू से डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेरिवेटिव जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो गया, देन व्हाट विल बी, इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो उस केस में पॉइंट हमारे पास लोकल मिनिमा हो जाएगा। चेक कीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो मैक्सिमम वैल्यू है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन से इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ चला गया तो बिल्कुल नीचे से गया, सो इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा मिनिमा। सेम वही है, फाइंड एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप पे, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। मतलब क्या है कि पहले हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद क्या करना थर्ड स्टेप में, फाइंड एफ डबल डैश सी। मतलब क्या है, जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको हम लोगों ने ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इफ एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इफ एफ डबल डैश सी इज लेस देन जीरो देन वी विल से दैट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें बेटा जी उल्टा होता है हमारे पास, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया देन वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन जीरो आ गया मींस टू से नेगेटिव आ गया देन वी कैन से दैट इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। अब पेपर में बेटा जी कई बार कहा होता है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो बेटा अगर पेपर में कहा होगा देन वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड जो भी कहा होगा, लेकिन अगर पेपर में नहीं कहा देन इट्स आर ओन चॉइस कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो बेस्ट वे होता है कि हम लोग ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, सिंपल सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए उससे पॉइंट सी निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें पॉइंट सी पुट कर दीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां से आता है। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग वहां पे लगा सकते हैं विदाउट एनी मतलब गिवन कि जहां पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमारे पास इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकल जाता है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकालना काफी मुश्किल होता है, या सेकंड डेरिवेटिव निकाल भी लें तो उसमें एफ वैल्यू जो है क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि वैल्यू पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इन दैट केस वी विल अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज वी विल जनरली अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी। So, please note it down. After this, we are going to discuss one or two examples कि किस तरह से हम लोग absolute maximum minimum find out कर सकते हैं और किस तरह से local maximum और minimum find out कर सकते हैं। ठीक है बेटा। So, let us discuss example. बेटा ये आपकी book में example number है 39 और page number है इसका 230 page पे example number 39 है। We need to discuss. अब यहां पे बेटा एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। यहां पे हम लोगों को फंक्शन गिवन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 एंड वी नीड टू चेक, वी नीड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल गिवन है 1.5, इसके ऊपर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, इट कम आउट टू बी 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। उसके बाद मैंने कहा था एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, इट एम्प्लाइज 6 * x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो x माइनस 3 * x माइनस 2 बचता है और यहां से हमारे पास x की वैल्यू 2 और 3 आती है। चेक कीजिए ये दोनों की दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, और एक बात याद रखिए बेटा अगर कोई वैल्यू इंटरवल में लाई ना करे तो हम लोगों ने उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है। नाउ वैल्यू 2 एंड 3 लाइज इन दिस इंटरवल, तो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद मैंने कहा था सारी वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब सबसे पहले एफ ऑफ 1 यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, उसके बाद एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करते हैं एंड आफ्टर दैट एफ ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है। अब ये वैल्यूज बेटा गिवन फंक्शन में पुट करनी है। चेक कीजिए 2 * 1 का क्यूब माइनस 15 * 1 का स्क्वायर प्लस 36 * 1 प्लस 1, और ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास वैल्यू आती है 24। चेक कीजिए 37, 39 में से 15 माइनस किया 24। उसके बाद सेकंड वैल्यू 2 * 2 का क्यूब माइनस 15 * 2 का स्क्वायर प्लस 36 * 2 प्लस 1 16, 72, 88, 89, 89 में से ये 60 माइनस किया आंसर आ जाता है 29। इसके बाद 2 * 3 का क्यूब माइनस 15 * 3 का स्क्वायर प्लस 36 * 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना है 3 का क्यूब 27, 2 जा 54 और ये 108 इसमें ऐड किया, 54 प्लस 108 हमारे पास आ जाता है 162 प्लस 1 163, और इसमें से हम लोगों ने ये 135 माइनस किया सो इट विल कम आउट टू बी 28 एंड आफ्टर दैट एफ ऑफ 5 2 * 5 रेस्ट पावर 3 माइनस 15 * 5 का स्क्वायर
36 into 5 plus 1. और बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56. अब चेक कीजिए, चार वैल्यूज आई हैं इसमें. मेरे पास ये मिनिमम वैल्यू है और ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है. तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 56. और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास आ रही है 24. और इसके बाद अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा लिखना है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना हो जाएगा बेटा जी आपके पास, वो पॉइंट जहां से मैक्सिमम वैल्यू आई है, पॉइंट कौन सा था? 5. और एब्सोल्यूट मिनिमा कितना हो जाएगा आपके पास, जहां से मिनिमम वैल्यू आई है, एंड दैट पॉइंट इज 1. अब यहाँ पे तो देखिए बेटा, इंटरवल के एक्सट्रीम वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता है. तो जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आता है. ठीक है बेटा. नाउ वी आर हैविंग एग्जांपल 32. fx is equals to 3x raised to power 4 plus 4x cube माइनस 12x square plus 12. यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे देखिए कोई इंटरवल नहीं गिवन, सो वी नीड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. और एक बात याद रखिए बेटा जी, अगर पेपर में इंटरवल नहीं गिवन है और सिर्फ ये कहा हुआ फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. चलिए फिर से वही बात, फर्स्टली डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. ये आ जाता है 12x cube plus 12x square minus 24x. और उसके बाद f'x को 0 के इक्वल पुट करते हैं. इट एम्प्लाइज, देखिए 12x कॉमन निकलता थ्रू आउट, यहां रह जाता है x square plus x minus 24 is equals to 0. ठीक है जी. तो यहां पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं 24 नहीं, यहां बेटा 2 रह जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, इट इज 12x into, जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बच जाता है हमारे पास. तो यहां से हमारे पास पॉइंट कितने आते हैं बेटा जी, 0 के इक्वल पुट करते हैं तो इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड माइनस 2. तीन पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास. तो अब यहां पे हम लोग तीनों पॉइंट्स पे चेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा जी, f डबल डैश x, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करता हूं. f डबल डैश x ये कितना आ जाएगा, 36x square plus 24x minus 24. अब इसके बाद f डबल डैश 0, f डबल डैश 1 और f डबल डैश माइनस 2 पुट करते हैं. जब 0 पुट किया तो बेटा ये डायरेक्ट आंसर माइनस 24 आ जाता है, क्योंकि ये 0 है. इसके बाद f डबल डैश 1 चेक करते हैं, इसमें पुट करते हैं हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 36 plus 24 minus 24, आंसर कम्स आउट टू बी 36, f डबल डैश 1. ठीक है. और उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट देन f डबल डैश ऑफ माइनस 2. अब f डबल डैश ऑफ माइनस 2 हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं. चेक कीजिए क्या आएगा, यहां पे माइनस 2 पुट करते हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, 144 माइनस 48 माइनस 24. और ये हमारे पास बेटा जी आ जाती है 72 माइनस किया तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आता है 72. चेक कीजिएगा कैलकुलेटर. नाउ सी हियर, यहां सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आ रही है और यहां सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस में आ रही है. सो दिस विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि उल्टा लिखना होता है हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और यहां पे क्योंकि दोनों में पॉजिटिव आ रही है तो दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा एक कंसीडर कर लेते हैं जहां पे मिनिमम वैल्यू है. सो वी कैन से दैट दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. अदरवाइज हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला था कि मोर देन वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया 0 और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमारे पास क्या आता है, 1 और -2. ठीक है.